चलिए फ्रेंड, हम लोग पहुँच चुके हैं भुवनेश्वर। अब लोग हम सब जा रहे हैं कहाँ, रेलवे कॉलोनी की और तरफ, जहाँ पर हम सबका रोजगार मिला रहेगा। और माननीयवर धर्मेंद्र प्रधान जी हम सबको अपने शुभ हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। और ये भाई जा रहे हैं क्वालटीआर विशाखापट्टनम। फाइनली फ्रेंड, हम लोग अब आ चुके हैं अपना रेलवे कुंज भवन, जहाँ पर कल हम सबका पटवा रोजगार मेला लगने वाला है। और हम लोग को यहीं पर जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। हम लोग देख सकते हैं पीछे ये है रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर। और कल हम लोग को यहीं पर आना है। आप लोग को मैं बिल्डिंग दिखाता हूँ। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रेलवे ऑडिटोरियम की ओर और कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर जितनी भी आप गाड़ी देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर ऑफिसर हैं, जो भी DRM ऑफिस में जो वर्क करते हैं, सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है गाड़ी है। और सभी गाड़ी में भी लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे ऑन ड्यूटी और इंडियन गवर्नमेंट। और हम लोग ये पहुँचने वाले हैं यहाँ। सभी का यहाँ का मौसम जो है ना बहुत अच्छा है, लेकिन दोपहर के समय यहाँ बहुत ही गर्मी था, लेकिन शाम के समय जैसे जैसे शाम हो रहा है मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो मौसम है बहुत ही शांत मौसम है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और यह देखिए ये पूरा सजा हुआ है पूरा, और चारों तरफ यहाँ छोटा सा पार्क है मेरे साइड, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड भी एक छोटा सा पार्क है। और ऊपर रेलवे सदन, जहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी रेलवे के जो भी कैंडिडेट हैं और जो भी SSC हो जाए या कोई भी, क्योंकि 71,000 कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और ये पाँचवा रोजगार मिला है, आप लोग देख सकते हैं। और हम सबको जाना है रेलवे ऑडिटोरियम में, बहुत ही दूरी पर है क्योंकि अभी हम सब पहुँचे नहीं हैं, पता है डिपार्टमेंट से बहुत ही अंदर है। और यहाँ का नज़ारा तो देखते ही बन रहा है। आप ये रेलवे हाउस में भी यहीं पर हो, यहाँ पर देखिए नज़ारा कितना सुंदर बना हुआ है यहाँ पर। वाह, रेलवे हाउस यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ का आसपास का आप देख सकते हैं जो हरियाली है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हवा भी, बट यहाँ पर जो है ना हवा तो चल रहा है ठंडा, ठंडे हवा भी चल रहा है, लेकिन ये एक उसम टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा गर्मी जैसा पूरा पसीना निकलता है, मतलब कि बॉडी को हवा लग नहीं रहा है। बट सब चीज तो ठीक है, यहाँ मौसम हरियाली और शांत मौसम है। फाइनली हम लोग कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार रेलवे ऑडिटोरियम पहुंच गए हैं। और हम मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यही है रेलवे ऑडिटोरियम, जहां पर कल हम सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और कल मैं आप सभी को इसका पूरा ब्यौरा बताऊंगा, आखिर क्या क्या हुआ यहां जाने के बाद, और अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिला और क्या क्या उन्होंने बोला सब चीज़। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और देखते रहें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।